हेल्दी इंडियन रेसिपीज बना रहे हैं हम, वेजिटेबल रेसिपीज, तीन मजे की वेजिटेबल रेसिपीज बनाएंगे हम, दो मेन कोर्स हैं और एक स्वीट डिश। जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं वो फटाफट से रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें। और राइट, सबसे पहले हम दाल घिया बना रहे हैं। एक पाव दाल है और एक पाव घिया है। देन यू नीड वन मीडियम ऑनियन, वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, वन मीडियम टमाटो, टू टीस्पून सॉल्ट, टू टीस्पून रेड चिली पाउडर, वन टीस्पून टर्मरिक, वन टीस्पून होल स्पाइस पाउडर, गरम मसाला है और तीन चार हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें ज़्यादा डालेंगे, लाल मिर्चें कम डालेंगे। एक टेबल स्पून ऑयल लेंगे, देसी घी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी हेल्दी ऑप्शन जो आप ट्राई करते हैं उसको ले सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू एड ऑनियन, जस्ट स्टर इट फॉर 30 seconds अराउंड। कोई इसको हमने कलर नहीं देना। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट को मुझे कलर चाहिए। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताएं किस किस को खुशबू अच्छी लगती है जब प्याज में अदरक लहसुन डालते हैं ना, और उसके बाद एक अच्छी सी मजे की खुशबू आती है। ऑलराइट, आफ्टर द गेट द कलर, तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे और अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं, जो नमक मिर्च हल्दी में डालने लगी हूँ ना अभी। ऑलराइट, नमक मिर्च हल्दी हरी मिर्चें डाल के अच्छे से इसको भून लेना है कि घी ऊपर आ जाए और ज़बरदस्त इसकी शक्ल। यस वाओ, इसमें अब आप डालेंगे घिया। और घिया को छीलना कैसे है, उसकी डंडी नहीं उतारनी है, उसको कैसे काटना है, जो घिया गोश्त मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिटेल से बताया है। राइट, और राइट, इसमें घिया डालेंगे आप और उसको 2-3 मिनट के लिए स्टर करेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे चने की दाल जो कि आप भिगो के रखेंगे। मिनिमम आपने उसको 1/2 घंटा तो जरूर भिगोना है, मैक्सिमम 2-3-4 घंटे भी भिगो दें, वेल एंड गुड। ऑलराइट, किन किन लोगों का घिया नहीं गलता जब वो पकाते हैं, उन्होंने घिया गोश्त की वीडियो जरूर देखनी है। राइट, अब इसमें हमने पानी डाल दिया है क्योंकि दाल थोड़ी पतली अच्छी लगती है यार। इसको आप कवर कर दें, जब पकना शुरू हो जाए 20-30 मिनट पकाएं और उसके बाद ये देखें कितनी अच्छी दाल गल गई है और हल्के हाथ से घिया तोड़ लिया आपने। वाह, ये तो जादू हो गया। उसके बाद आपको चाहिए एक मैदानी या घोटना, एंड देन यू आर इन एक्शन। अच्छे से दाल घुट गए आपकी और उसमें डालें गरम मसाला, हरा धनिया, कवर कर दें ताकि रोमा पूरी डिश में आ जाए। चपाती से इंजॉय करें। घी की खीर सेकंड रेसिपी। 1 लीटर दूध चाहिए इसके लिए आपको, 150 ग्राम वाटर गोल्ड या साइज देख लें इतना काफी है घिया, और आधे से 1 कप तक शुगर चाहिए। आधा आधा कप ठीक रही थी मुझे। 1 टेबल स्पून राइस जिनको आपने भिगो दिया हुआ है। Then you need almonds or any dry fruit which is available. Then you need cardamoms, इलायचियाँ, चार दूध चाहिए, और घी को छील लेंगे और कद्दूकश कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देगची में डालेंगे दूध और घिया और चावल, ठीक है। इसको उबलने देंगे और उसके बाद आंच हल्की करके इसको पकने देंगे 2 घंटे तक हल्की आंच पे, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और फ्लेवर मज़े का आ जाए इसका, रबड़ी जैसा। उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे और बादाम पिस्ते डाल देंगे, उसको थोड़ा गाढ़ा करेंगे जब तक ये किनारे छोड़ने लग जाए, जैसे आप देख रहे हैं ना। आई आई आफ्टर दैट जस्ट सर्व इट गार्निश इट, मजे से खाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि किस किसने अभी तक नहीं खाई घी की खीर, जरूर बनाएं, वेरी टेस्टी। अब हम बनाएंगे अरवी बैंगन। अरवी बैंगन के लिए लंबे बैंगन लेते हैं हमेशा, ठीक है। 200 ग्राम एग प्लांट है, उसको वर्टिकल काटना है, लंबाई में काटना है और अरवी को भी लंबाई में काटना है। और एक मीडियम प्याज चाहिए आपको, एक मीडियम टमाटर चाहिए आपको, ये फ्रीज हुआ था तो मैंने इसको पीस लिया है, और 3-4 हरी मिर्चें चाहिए। 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, उसमें आप ऑनियन को थोड़ा सा सॉटे करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल, फिर उसमें टमाटर डाल देंगे। और अरवी को छीलना और काटना कैसे है, ये अरवी के पकौड़ों में मैंने बताया, वहां से देख लें, कार्ड में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी। नमक मिर्च सब डाल दी, खूब अच्छे से भून लिया। देन वी आर गोइंग टू एड एग प्लांट, अरवी, और इसको करेंगे मिक्स। अब अरवी को गलने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, इसलिए थोड़ा पानी डालूंगी मैं इसमें। अगर आलू होते तो भी हम बिल्कुल छींटा लगाते पानी का, एंड दैट्स इट।
15 मिनट पकाएंगे उसके बाद अरवी भी गल गई है और बैंगन भी गल गए हैं मजे के अरवी बैंगन तैयार हैं एंजॉय करें मजे मजे से खाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी रेसिपी से अरवी बैंगन बनाते हैं डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड डू लाइक माय वीडियो एंड डू शेयर इट सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो